हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 का नोटिफिकेशन जो है एग्ज़ाम का आ चुका है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया कि आ गया है, तो आप लोग इसके एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जून 2023 का एग्ज़ाम है, तो हम लोग जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे कि क्या क्या कहाँ पे है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से यानी 10 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। 31 मई तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं 5 PM से पहले। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिए, नहीं तो बाद में जो वेबसाइट है वो बिजी हो जाता है। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी है, तो वो 1 जून है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का जो फी पे करना है आप ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। 1150 रुपया है। EWS OBC के लिए 600 रुपया है और शेड्यूल कास्ट SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 325 है अप्लीकेशन फ़ी। ये अप्लीकेशन फ़ी इतना आप पे कर सकते हैं। फिर करेक्शन विंडो जो है ओपन होगा, अगर कुछ फॉर्म में गलती कर देते हैं तो 2 जून को ओपन होगा, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर जो है वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा बाद में कि कहाँ पे एग्जाम सेंटर है, और जो एडमिट कार्ड है वो आपको वो भी बाद में ही इंटीमेट किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो पहले से ही बता रखा था इन्होंने, जो कि 13 जून to 22 जून को होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो 180 मिनट्स होगा यानी 3 आवर्स का होगा, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। पेपर 1 और 2 एक ही साथ होगा, जैसे हमेशा होता है। ठीक है, आपका टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो है फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में हो सकता है, 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा, 9 से 12 और 3 से 6। एग्जाम सेंटर एंड डेट एंड शिफ्ट जो है वो एडमिट कार्ड पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और रिजल्ट जो है वो इसके वेबसाइट पे आप बाद में देख सकते हैं। आपको फॉर्म फिल करने के लिए UGCNET.NTA.NEET.IN इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग जो है एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को फॉर्म फिल करने से पहले, ताकि कोई गलती ना हो और आप उस हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सारे चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ। जैसे देखेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन 2 पेपर होता है, इसमें दोनों पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, कोई भी इसमें ब्रेक नहीं होता है दोनों पेपर के बीच में, एक ही साथ आपको पेपर होगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी जो ओल्ड स्टूडेंट है इतने से उनका काम हो जाएगा, आगे का आप एडवर्टाइजमेंट रीड करके खुद से देख सकते हैं। तो देखिए पेपर 1 जो होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा। ठीक है, MCQ होगा और टोटल, और पेपर 2 जो है 200 मार्क्स का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट से। जैसे आप HR से हैं तो HR से होगा, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि HR से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी पेपर कोड 55 लेबर वेलफेयर से, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स ज्वाइन करके कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन वहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए टेस्ट ड्यूरेशन जो 3 आवर का होगा, 180 मिनट्स का, पहले भी बता चुका हूँ। ओके, देखिए सिलेबस यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका कोड है उस कोड के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, लैंग्वेज को छोड़ के, बाकी जो लैंग्वेज है उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, ये सभी वो लैंग्वेज में ही रहेगा, बाकी पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी के ही मीडियम में रहेगा। मार्किंग स्कीम की बात करें तो 2 मार्क्स है ईच क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए, और करेक्ट रिस्पांस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इनकरेक्ट रिस्पांस का, ठीक है, या फिर क्वेश्चन कोई छोड़ देते हैं तो उसमें भी कोई आपके निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है क्या है, तो जनरल और अनरिजर्व और जनरल EWS के लिए जो 55
परसेंट मार्क्स आपके होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में या फिर उसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम है उसमें, तो ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और बाकी जो ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर स्टूडेंट है उनको 50% मार्क्स की जरूरत है मास्टर डिग्री में, ठीक है। और कैंडिडेट जो है मास्टर डिग्री को परस्यू कर रहे हैं मतलब फाइनल ईयर में हैं आप, तो आप और आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और आप अभी मास्टर डिग्री कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट अवेटेड भी नहीं है, अभी फाइनल ईयर में नहीं गए हैं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। सिर्फ आपको नेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना ये आपको नहीं मिलेगा, ये फाइनल मास्टर डिग्री होने के बाद ही मिलता है। बाकी आपको जीआरएफ मिल जाएगा, जीआरएफ अगर आप क्रैक करते हैं तो जीआरएफ आप मतलब मान लीजिए कि मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर में भी है तो आप एग्जाम दे सकते हैं और जीआरएफ उसमें आप कर लेते हैं तो जीआरएफ का आपको डिग्री मिलेगा उस जीआरएफ से, ताकि उसका 3 इयर्स का उसका वैलिडिटी रहता है पीएचडी आपको करने के लिए, तो 3 ईयर में कभी भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके जीआरएफ पे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बता दी है, बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं क्या है। एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए जीआरएफ जो है ना जैसे पीएचडी करने के लिए जीआरएफ की जरूरत होती है ताकि स्कॉलरशिप मिले, तो इसमें अनरिजर्व के लिए 30 ईयर्स एज दिया गया है और एज काउंट होगा यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट रहेगा लास्ट मंथ रहेगा उस पे काउंट किया जाएगा। जैसे 1 जून 2023 पे 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तब आपको जीआरएफ मिलेगा। और अगर स्टूडेंट ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर के हैं तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी, एज रिलैक्सेशन, यानी वो 35 ईयर तक आप जीआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म एक ही अप्लाई होता है जीआरएफ और नेट के लिए। और आप नेट के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, किसी भी आप एज में होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, रिजर्वेशन दिया हुआ है तो ये तो बात की बात है, जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है कास्ट वाइज वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। ओके, बाकी देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रजिस्ट्रेशन एंड अप्लीकेशन फ़ी जो है रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं ugcnet.nta.nic.in, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे तो आपको अप्लीकेशन फिल करने का मिल जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे बता दूँ कि सब्जेक्ट कोड के बारे में कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जैसे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है जिसके जो भी आप पढ़ाई किए हैं उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि आप बंगाली से एग्जाम दे रहे हैं तो इसका पेपर कोड 19 जो है इससे आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसी तरीके से बता देता हूँ, जैसे जैसे आप लेबर वेलफेयर है यानी HRM, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आप पेपर कोड 55 से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं कि आपका पेपर कोड क्या रहने वाला है। टोटल पेपर कोड जो है टोटल जो है 83 इसमें सब्जेक्ट हैं, इतने सारे में कोई भी एक से एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं और इस ब्रांच में आप मास्टर डिग्री किए हैं तो। और एग्जामिनेशन सिटी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम एग्जाम होता है, जो भी आपके नियरेस्ट सिटी होगा या जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे आपका सेंटर रहेगा, जो भी आप सेंटर को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ दे दिया गया है। NTA UGC नेट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस टाइप के कुछ विंडो मिलेगा, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से री लॉग इन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट यहाँ पे आपको करना है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस हिसाब से कितने साइज का फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार आप पढ़ लेंगे और उसको फॉर्म उस हिसाब से फिल करेंगे। बाकी देखेंगे तो आपको जो नेक्स्ट विंडो खुलेगा तो उसमें कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना होगा। ये सारे चीज़ ऑप्शन है, इस टाइप से आपका फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे फॉर्म अच्छे से फिल करके सिक्योरिटी एंटर करके और यहाँ पे सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके, इस तरीका से। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके फॉर्म का रिव्यू करेंगे तो इस टाइप से आपका फॉर्म दिखेगा, आपके नाम वाम, मदर नेम, फादर नेम, सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा।
तो आप रिव्यू करके इस तरीके से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन है तो आप यहाँ पे एडिट का क्लिक कर सकते हैं, और अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे क्लिक एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, एक ओटीपी आएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका मैसेज आ जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर से एक रिव्यू पेज आएगा। इस तरीका से ये सारा चीज़ नाम वाम फिर से एक बार आप चेक कर लेंगे, और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर आप को क्लिक कर देना है। ओके, इस टाइप से आपका फॉर्म हो जाएगा। तो आपका फॉर्म फिर यहाँ पे दिख क्लिक करा जाएगा, कंफर्म आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस कर देंगे यहाँ पे। अगर सब कुछ सही है तो फिर आपका सबमिशन हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे आपको दिख जाएगा। ओके, जब पूरा फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपका इस तरीके से कुछ आएगा, एप्लीकेशन नंबर से लेकर सब कुछ आपका आ जाएगा। तो इसको आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। ओके, इस तरीका से आपका फोटो नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो सब चीज़ मैं बता दिया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए स्टूडेंट हैं वो भी समझ गए होंगे, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने वाले हैं वो भी समझ गए होंगे। तो आप फॉर्म को फिल कर लीजिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यूजीसी नेट कोड 55 लेबर वेलफेयर से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ अच्छे आपको कोर्स बेसिक कंसेप्ट से मिल जाएगा, अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कम से कम टाइम में। ओके, और कुछ भी क्वेरी हो इसके अलावा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।